वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिया में आप सभी फैंस का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि PFMS के वेबसाइट में बहुत बड़ा अपडेट लाया गया है। क्या अपडेट लाया गया है वो मैं आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उससे पहले बताना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया ताकि जो वीडियो आए अब तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना। इस तरह से यहाँ पर आपको टाइप करना, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर PFMS इस तरह से टाइप करना और सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि PFMS का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे देख सकते हैं, PFMS.NIC.IN। ओके, तो सिंपली से आपको यहां पे क्लिक करना PFMS पे। ओके, तो चलिए यहां पे क्लिक किया मैं। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने PFMS का ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे PFMS का फुल फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्या करना फ्रेंड्स, अगर आप लोग फोन में यूज करें तो आपको क्या करना, सबसे पहले फोन को डेस्कटॉप मोड में कर लेना। ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, देखेंगे फ्रेंड्स राइट साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। ओके, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना। ओके, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे डेस्कटॉप साइड। ओके, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना। ओके, तो चले मैं इस पर क्लिक किया। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह से पीसी और लैपटॉप में ओपन होता है उस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे पैसा देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता था, यहाँ पे देख सकते नो योर पेमेंट्स। ओके, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना नो योर पेमेंट पे। ओके, तो चले मैं यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और बैंक नेम यहाँ पे डालना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स क्या अपडेट लाया गया है। यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन देखने के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, यहाँ पे पहले नहीं देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, उसके बाद ही आपका पेमेंट यहाँ पे शो होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा सही तरीके से। ओके, तो चलिए मैं उसी प्रोसेस में यहाँ पे पहले मैं अकाउंट बैंक नेम और अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद इस कैप्चे को डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सो सेंड OTP पे क्लिक करना। ओके, तो चले मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को करके बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, आपको बैंक का नाम यहाँ पे टाइप करना, वो भी कैपिटल में, स्मॉल नहीं करना। ओके, तो चले मैं यहाँ पे अपने बैंक का नाम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो स्टेट बैंक इस तरह से टाइप करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से आपको टाइप करना है। ओके, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद फिर से दोबारा अकाउंट नंबर डालना। तो चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पे वही अकाउंट नंबर में पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैप्चे को यहाँ पे, ये जो कैप्चा देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल करना। ओके, तो चलिए मैं इस कैप्चे को यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कैप्चा डाल दिया हूँ। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स जैसे मैं सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नोट फाउंड विथ द अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, इसीलिए आपका बैलेंस यहाँ पे शो नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो यहाँ पे आप लोग जो है सो पैसा नहीं चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नोट फाउंड विथ द अकाउंट नंबर। ओके, मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो भी सरकार घर से पैसा आता है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे यही अपडेट आया गया है कि अब आप जो है सो जो भी बैंक अकाउंट में नंबर मोबाइल नंबर ऐड है वही यहाँ पे व्यक्ति चेक कर सकते हैं, जो भी सरकार घर से पैसा आता है जो भी फंड का। ओके, वही व्यक्ति यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिनके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड है। ओके, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर ऐड है फिर भी यहाँ पे बैलेंस शो नहीं हुआ। ओके, क्योंकि ये जो साइड है अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ओके, वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है सो इस तरह से इंटरफेस आया। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब ये साइड प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि ये साइड जो है सो अब अच्छे तरीके से काम करने लगा है। अब आप लोग अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं जो भी सरकारी घर से
पैसे आते हैं। ओके, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बताइए कि PFMS जो न्यू अपडेट लाया गया उसमें जो है सो इस तरह से इंटरफेस क्यों आ रहा है। तो मैं आप लोग को बता दिया कि यहाँ पे जो है सो इस साइड जो है सो प्रॉपर तरीके से अभी काम नहीं किया कर रहा है, इसीलिए जो है सो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अगर ये काम अच्छे तरीके से करने लगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ओके, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।